लंदन में देश के लोकतंत्र पर कथित तौर पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी से अब विपक्ष माफी की मांग कर रहा है। सदन में भी राहुल गांधी माफी मांगो के नारे गूंज रहे थे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा सुनिए। देश से बाहर जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए, देश के उस गरीब मजदूर से जो अपनी खून पसीना बहाकर देश को सींचता है, आगे बढ़ाता है, जिसके चरण धोकर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर दुनिया के देशों में जाकर भारत का अपमान करने में लगते हो। करप्शन एक आर्ट, या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए। हमलावर हुए अनुराग ठाकुर पर कांग्रेस के कई नेताओं ने पलटवार किया। उनका कहना है कि वो माफी क्यों मांगे। जो कुछ उन्होंने विदेश में कहा उसे पूरा न रखे। उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव साझा किए, तो भारत की लोकतंत्र की तारीफ की थी, गलत बयानी करके अपने मालिक अडानी का मुद्दा न उठे, इसलिए सदन को अव्यवस्थित कर रहे हैं। और दूसरा, अनुराग ठाकुर की पीड़ा मैं समझ सकता हूं। उनकी होम स्टेट हिमाचल में इंदिरा गांधी की प्रतीक प्रतिस्वरूप इकलौती प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार तब अपदस्त कर दी, कांग्रेस की सरकार बनवा दी, जब प्रधानमंत्री ने डेरा डाल दिया था हिमाचल में। तो ये हार की कसक है जो प्रियंका गांधी पर अपना गुस्सा उतारा जा रहा है। सरकार खुद नहीं चलाना चाहते हैं हाउस। कल ऐसा नजारा कभी देखे हैं कि सरकार के मंत्री गण, सरकार के सारे एमपी गण सब मतलब सदन को ठप करने के लिए किस तरीके से हंगामा किए हैं। तो ये पहली बार ये नज़ारा सबको देखने को मिलता है कि सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज़्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। राहुल गांधी से जो माफ़ी की बात की, क्यों माफ़ी मांगेंगे राहुल जी? क्या क्या गुना की माफ़ी मांगना है? माफ़ी तीन लोगों को मांगना चाहिए। और प्रियंका गांधी का नाम भी सर आ रहा है तो ये करेगा साजिश, तो बढ़ते चलेंगे साजिश, कोई परवाह नहीं हमें, जो मर्जी कर लें। राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर सदन में हंगामा जारी है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी।